हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक्चुअली हम लोग कहाँ जा रहे हैं बेबी? हम लोग जा रहे हैं रिंकू को डॉक्टर के पास लेकर के, और इसके बाद जाएंगे वी मार्ट, है ना? हाँ, ये देखिए रेडी हो गई है बेबी। पेंगुइन कौन है ये? पेंगुइन। तो बहुत दिन से हमारा वीडियो नहीं आया एक्चुअली, बट अब से मेरा वीडियो रेगुलर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, कॉलेज वगैरह जाना ऐसे करके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बट अब मैं वीडियो रेगुलर करूँगी। और ये देखिए बेबी भी रेडी हो गई है, और मैं तो आज सैटरडे था तो कॉलेज से आई थी तो रेडी हूँ। और गेट बंद कर देते हैं, और लिपस्टिक मैंने नहीं लगाया एक्चुअली। तैयार हो यार, कुछ हुई नहीं, ऐसे चलेंगे क्योंकि मार्केट ही तो जाना है, इधर ही तो जाना है, और जब टाउन में ही जाना है तो फिर किस लिए इतना ज़्यादा वो करना है ना। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आती है कि दीदी आप बहुत कम तैयार होती हैं, तो रियली में मैं बहुत कम तैयार होती हूँ। और मेरे सूट का कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, रियली में मेरा ये वाला जो कुर्ता है ना बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए इसका मतलब इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। देखिए कॉलेज से आके बैग वगैरह मेरा इधर रख दिया है, और पर्स मेरा यहाँ पर रखा है, गाड़ी की चाबी अपन ले लेते हैं क्योंकि चलना है अपन को, और सैटरडे को हमारा हाफ डे हो जाता है ना इसलिए। और हाँ, स्वेटर भी मेरे को पहनना है तो स्वेटर भी मैं पहन लेती हूँ। आ जाओ, चलो शांत हो गया। हाँ। किसका क्या है, कंघी करके आओ। तुम्हारा कैप कहाँ है? मैं तो कैप पहनूंगा ना। हाँ तो कंघी एक बार कर ले, और यही वाली टी शर्ट पहन लेता है जब जाना रहता है तब, वहाँ पे हमेशा जाता है ना तो यही वाली पुरानी वाली टी शर्ट पहन के जाता है वहाँ पे, जाना रहता है तो। मैंने पहले से पहन रखी थी, देखो ये बोल इसको जाना नहीं है, इसको जाना है, इसको बोल रहा है मेरे को घर पे छोड़ के चले जाओ, और मैं नीचे बैठ जाऊँगा दादी के पास, और ये देखिए मोबाइल चलाऊंगा, और मोबाइल चलाऊंगा। वो भी चलेगा, उसको छोड़ के नहीं जा रहे तो चलिए। हमारे बच्चों का, मेरे बच्चों का क्या हो रहा है कि एक मोबाइल चला लेता है फिर दूसरे, मतलब बारी बारी से भी अपना टाइम पूरा नहीं हो रहा है उन लोगों का। उन लोगों की यही झगड़ा चलता रहता, तूने इतनी देर चलाया था, मैंने इतनी देर चलाया, तूने इतनी देर टीवी चलाई, मैंने इतनी देर। हमारा 8 GB डाटा, 8 GB डाटा आप समझते हैं कितना होता है? 8 GB डाटा हमारा पूरा टीवी में जा रहा है, और मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही हूँ। 1 GB 1.5 GB जाता है हमारी वीडियो में, बट बच्चों ने इतना ज़्यादा तंग करके रखा है ना, बहुत ज़्यादा। स्कूल खुल रहा है हमारा लेकिन ऑटो वाला हमें नहीं मिल रहा है, उस चक्कर में इसकी बस भी नहीं चल रही है, ऑटो वाला भी नहीं मिल रहा, तो ये लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये हो रही है, और ऊपर से ये लोग जा रहे हैं। क्या नेल कटर, जल्दी चलो, जल्दी चलिए, मैं जैकेट पहन लूँ। और खिड़की दरवाजे, किचन की खिड़की खुली हुई है, इसको बंद कर देते हैं। वीमार्ट भी जाएंगे, स्वेटर थोड़ा सा देख के आएंगे। क्या हुआ था कि उस दिन लॉन्ग स्वेटर मिल रही थी, तो लॉन्ग स्वेटर मुझे अच्छे नहीं लगती, फ्रॉक सूट के ऊपर पागल के जैसे लगने लगते हैं। एक तो मुंह भी मेरे को ढकना रहता है ना, अगर कहीं हम शादी वगैरह में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो फिर घूंघट भी करना रहता है भाई, जो अपना है, अपने दिन का जो रूटीन है वो तो करना ही है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि फिर मैं फ्रॉक सूट वगैरह पहनने के बाद, या फिर सूट पहनने के बाद उसके ऊपर ना मेरे को वो स्वेटर मज़ा नहीं आता वाली पहनने में। चलो आ जाओ, हमको तेल लगा लेने दो। हाँ लगा लो, इसके बाद पैसे निकालना है। हाँ तो चलिए रोकती हूँ मैं अपनी वीडियो को, जैकेट पहन लेती हूँ, बच्चे हो रहे हैं तैयार, ये देखिए। चलिए रोकती हूँ ना, तो ये देखिए यहाँ पर मैं स्वेटर पहन पहन के देख रही हूँ, ट्रायल रूम का वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अपनी पसंद से जो जो स्वेटर पहन पहन के देख रही हूँ, जो जो मैं चूज़ करके लेकर के आई हूँ। एक्चुअली स्वेटर तो स्वेटर ही है भाई, स्वेटर मुझे कैसी ऐसी शॉर्ट स्वेटर मेरे को चाहिए जो शॉर्ट में हो, तो बस कुछ इस तरीके की स्वेटर मेरे को चाहिए। तो इसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी मेरी फ़िटिंग की बैठती है। पहले मेरे को एक्सेल में आती थी, आजकल मुझे लार्ज में आने लगी, मैं इतनी ज़्यादा दुबली हो गई हूँ। पहले मुझे एक्सेल में आता था पूरा स्वेटर, मेरा पुराना जो भी है सारा लूज हो गया है। तो कैसा लग रहा है ये एक्सेल में है, अगर इसको ख़रीदना है तो लार्ज में ख़रीदना पड़ेगा, एक्सेल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो
ये देखिए आप लोग देखिए, सबसे ज़्यादा मुझे यही वाला स्वेटर पसंद आया है। इसके बाद में पहन पहन के मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन सी स्वेटर अच्छा लगा। इसके बाद में ये स्वेटर भी रिंकू को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट ये वाला स्वेटर जो है ना इसमें धागे कहीं कहीं से खींचे हुए थे, मगर ये इसका डिज़ाइन इतना प्यारा था ना, इसका बॉर्डर अप किया हुआ है पूरा। और आगे से देखिए कुछ इस तरीके का है, मतलब पहनने के बाद एकदम से बहुत अच्छा लुक दे रहा था और फ्रॉक सूट पे भी अच्छा लग रहा था, और नॉर्मल सूट पे जब हम घूंघट वगैरह करते हैं तो उसके ऊपर भी बहुत सुंदर लगता। ये स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा था रियली में। ये देखिए रिंकू को बहुत ज़्यादा ये पसंद आया था, बट इसका धागा थोड़ा सा ना खींच रहा है। ये देखिए बाजू भी आपको दिख रहा होगा और एक धागा इस तरफ भी खींच रहा है, तो इस तरफ में खींच रहा है इसका धागा थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने इसको नहीं ख़रीदा। ये देखिए जिस तरीके से है, तो चलिए आप लोग देखिए। बाद में मैंने फ़ोटो भी खिंचवा लिया, एकदम बहुत ही अच्छा कपड़ा था इसका, बट मुझे लॉन्ग स्वेटर नहीं चाहिए क्योंकि लॉन्ग स्वेटर मेरे पास एक ऑलरेडी है ससुराल में, उसमें उसको पहन नहीं पाती हूँ। लेकिन इसको पहनने के बाद ना एकदम से अच्छा लुक आ रहा था, एकदम मज़ा आ गया पहनने के बाद में, और रियली में बहुत अच्छी लग रही थी ये स्वेटर। लेकिन मैंने आपको बताया ना, मैं लॉन्ग स्वेटर नहीं चाहिए मेरे को, कपड़ा अच्छा हो ना हो जैसा भी हो, बट मुझे लॉन्ग नहीं चाहिए। और मतलब मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ, और ये स्वेटर देखिए रिंकू पसंद करके लेके आई। एक्चुअली ऐसा वाला स्वेटर मेरे पास है और इस तरीके की स्वेटर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिंकू रिंकू फिर भी बोल रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ, आप पहन के मुझे बताओ एक बार कैसा लग रहा है स्वेटर। इसका कलर बहुत प्यारा था, रानी पिंक पे था ये, तो बस कुछ इस तरीके का था। बट इसकी देखिए फिटिंग कितनी बकवास है, एकदम से अच्छी नहीं है ये, अजीब सी है, इसका बनावट अजीब सी है देखिए, तो इसलिए मुझे ये पसंद नहीं आई। तो हम लोग देखो शॉपिंग करके आ गए, जो ये रहा हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल, और ये हम लोग खा रहे हैं चोको पाई। उसके पापा अगर वीडियो देख रहे हैं तो जरूर जरूर देखें और कमेंट भी कर दें जरूर, है ना। फोटो खींच रहे हैं हम लोग, रुक जाओ थोड़ी देर में। चलो भैया चलते हैं कहीं और, चले सामने वाले में।
चलो।